हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एनालिसिस में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बाजार आज जो है शांत ही रहा और बाजारों के अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो नेगेटिव चल रही है और बाजार जो है किसी परफेक्ट डायरेक्शन की तलाश में अभी भी लगा हुआ है। हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी कि बाजारों के अंदर सेल ऑन राइज जो है मार्केट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और सबसे खास बात जो हमने की थी वो यही की थी कि 41,500-600 के आसपास और नीचे की तरफ 41,200 के आसपास की रेंज जो है बनी हुई है, और उस रेंज के अंदर ही आज भी ट्रेड होता हुआ नजर आया। और मेरा आउटलुक यही था कि मैं 70% ये मान के चल रहा था कि बाजार जो है नीचे की तरफ ही रुख करेंगे, तो हालांकि एक रेंज के अंदर था, तो आज बाजार ने वो हमारा 70% को ही जो है सहारा दिया। और कल के लिए जो आउटलुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी कर रहा है। आश्चर्यचकित ये कर रहा है कि मुझे आज के जो ऊपर से सेलिंग आई उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, यानी कि सेलिंग तो आ रही थी लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं बाजार के अंदर अभी जो है ऐसी स्थिति मानता हूँ कि बाजार के अंदर नो ट्रेड जोन टाइप सिचुएशंस हैं, यानी कि नो ट्रेड मतलब कोई भी आपको कन्विंसिंगली ना तो बाय कॉल मिल रही है ना सेल कॉल मिल रही है। और बाजार ने हालांकि 17,800 के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला कि भाई बहुत बढ़िया वाली तेजी हो या बहुत बढ़िया वाली मंदी हो। बाजार अभी इस फिराक में है कि एक दिन चलो मंदी कर लेते हैं, एक दिन तेजी कर लेते हैं, एक सीमित दायरे के अंदर बाजार चल रहे हैं। बाजार किसी ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, कोई ऐसी चीज आए जो बाजार को नीचे करे या ऊपर करे, तो बाजार एक तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। तो स्पेशली ये जो बाजार है जो ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऑप्शंस के जो बायर्स हैं वो शायद जितना खुशी मना रहे थे बजट के आसपास या बजट से पहले, जो वॉलेटिलिटी थी और एक 50 रुपये की ऑप्शन 500 रुपये कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, और अब यहाँ पे कि जो ऑप्शन आप 500 रुपये की खरीदते हैं वो शाम को होते होते बिना मूवमेंट की वजह से, और आपके फेवर में भी अगर मूवमेंट होती है तब भी उसकी वैल्यू घट रही है, तो ऑप्शंस बायर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑप्शन सेलर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। निफ्टी ने आज जो है कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाजार जो है ये कह रहा था कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, या ये भी नहीं कह रहा था कि मैं बहुत तेज़ हूँ, तो बाजार अभी न्यूट्रल डायरेक्शन के अंदर ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और अभी देखिएगा बॉक्स के अंदर जब तक काम कर रहा है, बॉक्स थ्योरी को एन्जॉय करिए, तो व्यू यही है कि इस बॉक्स के अंदर ही बाजार काम करता रहेगा, तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, जब तक इस बॉक्स में काम कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है बाजार के अंदर, और कोई भी तेजी बनेगी तो इस बॉक्स के बाहर, और कोई भी मंदी बनेगी तो इस बॉक्स के बाहर निकलने के बाद ही बनेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस महीने के लिए शायद अभी बाजार जो है यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा, और जो लास्ट वीक होगा यानी कि जब एक्सपायरी होगी तो सामने कुछ चीज़ें आपके सामने उजागर होती हुई नज़र आएंगी। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो नज़र कल फाइनेंशियल निफ्टी स्टॉक्स पर भी रहना चाहिए आपका, तो वहाँ से एक जो है डायरेक्शंस मिलने की उम्मीद है हमें, लेकिन जो है वो दोपहर के बाद। अब अगर हम L&T, टाइटन, ITC, HDFC, आयशर मोटर्स की बात करें तो ये सब तेजी में थे, जबकि अदानी एंटरप्राइज आज भी निराश करता हुआ नजर आया। और देखिएगा मेरा आउटलुक आपको पता ही था, मैंने कहा था कि अभी अदानी ग्रुप से आप दूर रहिएगा, और आज तो देखिएगा अदानी ग्रुप का जो दिग्गज शेयर है, मतलब जिसमें मैं ये कहूँगा कि कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी, वो शेयर्स में भी आज कमजोरी नजर आई, वो था गुजरात अंबुजा सीमेंट यानी कि अंबुजा सीमेंट। इसके अलावा इन्फोसिस, SBI, अदानी पोर्ट्स, TCS सब कमज़ोर थे, और देखिएगा अदानी ग्रुप जब कमज़ोर होता है तो SBI पे जो है उसका इफेक्ट जो है आना लाजमी है, लेकिन देखिएगा मुझे रैशनलिटी नहीं लगती है कि भाई अदानी ग्रुप की वजह से SBI की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बट हाँ टाइम बिंग एक डेंट हो सकता है पड़ जाए, लेकिन उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट देखिएगा ट्रेडर है, ट्रेडर अपने हिसाब से प्ले करते हैं, तो SBI के अंदर कमजोरी थी और TCS भी जो है कमजोरी के साथ काम कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि भाई अभी हम घटते हुए क्रम में ही रहने वाले हैं, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी नेगेटिव थी। और वहीं पे टाइटन, L&T, NTPC जैसे जो शेयर्स हैं वो आज थोड़ा सा तेजी दिखा रहे थे। कमजोरी थी अदानी एंटरप्राइजेज में 7%, और देखिएगा मेरा रुख अभी भी यही है अदानी ग्रुप से, अभी दूर रही है,
और शायद बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कोई चीज़ 4,000 से गिर के 1700 1800 पे 2,000 पे आ जाती है तो लोगों को लगता है कि यार कितना गिर जाएगा, 50% तो ऑलरेडी गिर गया। बट जो लोग शेयर बाज़ार में नए हैं वो शायद ऐसा सोचते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो सब जानते हैं कि यार शेयर में कुछ भी, जो डेप्थ होती है वो कुछ भी हो सकती है। और वो देखिएगा अभी आज, मतलब जिन लोगों ने इसी उम्मीद में खरीदा होगा कि नहीं जी अब तो गिरेगा ही नहीं क्योंकि अब तो हम संभाल ही लेंगे, तो उन सबके बीच में देखिएगा 7%। और मैंने आपके साथ खबरें भी शेयर की थी कि भाई अदानी ग्रुप की जो सारे ग्रुप के अंदर जो बाकी जो कंपनीज हैं उनको डाउनग्रेड किया, और डाउनग्रेड जो है उनको नेगेटिव टेरिटरी में डाल दिया गया। तो अदानी एंटरप्राइजेस की होल्डिंग अपनी ग्रुप कंपनीज में तो है, तो उसका असर तो आना ही था। अदानी पोर्ट्स के अंदर भी 5% की कमजोरी रही, और मैंने आपको याद करिए 450 के आसपास कहा था कि भाई यहाँ पे वैल्यू बनती है, और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि भाई देखिए अब आप निकल जाइए। तो अभी मुझे लगता है कि अभी अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनसे दूर रहना जो है ज़्यादा समझदारी रहेगी। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं देखिए वो तो ट्रेड ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, SBI, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी, ये भी शेयर्स जो आज कमज़ोर थे। तो आज हैवी वेट्स में जो है इन्फोसिस और TCS कमज़ोर थे, और IT पैक के अंदर दोनों की कमजोरी ही जो है निफ्टी को कमज़ोर किए हुए थी। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी, 41,282 के लेवल पर बंद हुआ, और एक समय तो 41,157, लेकिन एक नैरो रेंज में काम कर रहा है। और अभी देखिएगा स्पोर्ट जो है 41,100 से 200 की नीचे की स्पोर्ट है, ऊपर की तरफ जाएंगे 41,600 से 41,800 तक एक रेजिस्टेंस है। बाजार इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है और मुझे लग रहा है अभी भी इसी रेंज में ही काम करता रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर 41,100 किसी कारण से टूटता है, हालांकि देखिएगा अभी तो बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है उसका, लेकिन किसी भी कारण से टूटता है तो फिर 40,800 तक के भी दायरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ये सारे जो लेवल्स हैं ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी तरीके की एग्रेसिव तेजी या मंदी तभी बनेगी जब इस रेंज के बाहर निकलेगा, या तो 41,800 के नीचे एग्रेसिवली क्लोजिंग हो और अच्छे वॉल्यूम के साथ बाजार टूटे 40,800 के नीचे, और 41,800 के ऊपर एग्रेसिवली क्लोजिंग बेसिस पर अगर जो है अच्छी बाइंग आए तभी बाजार जो है डायरेक्शंस के अंदर जो है शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज इसी रेंज में अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बाजार ट्रेड करेंगे। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम देखें तो बॉक्स के ऊपर वाले कॉलम में है, तो हो सकता है कि अभी आपको यहीं पे जो मैंने अभी आपको लेवल्स बताए 1,000 के उसी में ट्रेड करता हुआ नजर आए। मेरी कोई बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ सिमिलरली मेरे ट्रेड उसी डायरेक्शन में है। जैसे कि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया भी था कि एक्स्ट्रा थोड़ी सी मंदी है, तो वो एक्स्ट्रा जो मंदी थी वो आज हमने क्लियर कर लिया, तो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन से हमारी, हम दोनों साइड मतलब एक जैसा देख रहे हैं और ओनली प्ले कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा आज जो है तेजी में थे दो। SBI ने आज पूरा बैंक निफ्टी का गेम बिगाड़ रखा था, बाद में एक्सिस भी कमजोर हो गया। ICICI बैंक दिन भर आंख में चोली खेलता हुआ लास्ट में माइनस ही हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक भी कमजोर थे आज। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो है एक अच्छी खासी जो है सेलिंग देखने के लिए मिल रही थी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अगर हम कैश मार्केट की बात करें भाई, आज कैश में FIIs ने लगातार दूसरे दिन बाइंग की है, तो ये भी संकेत मिल रहा है कि नीचे से बॉटम फिशिंग जो है FIIs के द्वारा हो रही है। बट मुझे लग रहा है कि इसमें इंडेक्स से ज़्यादा जो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स है वहाँ पे शायद बाइंग है, और वो सिलेक्टिवली ही जो कुछ शेयर्स हैं उनमें है। DIIs भी आज नेट बायर थे, और उसके बाद FIIs की आज कोई इंडेक्स फीचर्स में भी कोई सेलिंग नहीं थी। स्टॉक फीचर्स में है हालांकि 1,311 करोड़ की जो है सेलिंग थी, लेकिन फिर भी ये सारे डेटा मिलाकर भी जो है न्यूट्रल ही बनाते हैं। और पुट कॉल रेशियो में पुट राइटर्स अभी पुट लिखना नहीं चाहते, तो यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा डाउनसाइड अभी तो नहीं लग रही कल के लिए तो। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी आज अच्छा काम कर रहा है पॉजिटिवली, ब्रेंट क्रूड $86 पे काम कर रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर हालांकि 17,800 में अनवाइंडिंग हुई है, 17,900 में भी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसी अनवाइंडिंग नहीं हुई है। हालांकि निफ्टी में 17,800 की कॉल में एक जो है कॉल राइटिंग हुई है, तो 17,800 से लेकर 17,900 का दायरा अभी भी एक जो है इंटरमीडिएट जो है रेजिस्टेंस का जो है काम कर रहा है। कोई भी जो है अगर ये जो शॉर्ट कवरिंग आती है तो 17,900 के बाद ही आएगी, बट यहाँ पर अभी अनडिसाइसिव है मार्केट, और बाजार के जो प्लेयर्स हैं वो अदानी जो ग्रुप है उनके स्टॉक्स को देख रहे हैं कि किस करवट वो बैठते हैं, क्योंकि विदाउट बैंकिंग जो है बाजार में रैली जो है आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी देखें तो 41,500 में 1,03,000 की कॉल जो है राइट हुई है, सारी जगह पे कॉल राइटिंग थी लेकिन पुट अनवाइंडिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि बाजार में मंदी भी नहीं है अभी इतनी,
हो सकता है, देखिएगा 200-300 पॉइंट तो बाजार ने चलना ही है, तेजी है मंदी किसी भी साइड, बट मुझे लगता है कि कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई बाजार एक तरफा जो है गिरता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि पुट राइटिंग भी नीचे के लेवल पर अच्छी है, पुट राइटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पुट अनवाइंडिंग हो रही है। पुट अनवाइंडिंग हो रही है 41,600 में, 41,500 में भी राइटिंग हुई है बट मामूली सी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो है दायरा एक रेंज का ही यहाँ पर हम एंटिसिपेट करेंगे। तो आज के इस एनालिसिस में मैं केवल इतनी ही बात करूँगा, इस वीडियो के बाद हम चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली, और उसमें स्पेशली आज हम बात करेंगे मार्क्सन फार्मा के क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरीके के रहे हैं। तो वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, चैनल के साथ, सॉरी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी अगली वीडियो हम आपके साथ तकरीबन 45 मिनट के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।